जिला सोलन के अर्की विधानसभा क्षेत्र में वीरवार को जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त सोलन कृतिका कुलहरी और पुलिस अधीक्षक सोलन वीरेंद्र शर्मा द्वारा स्थापित स्ट्रांग रूम का संयुक्त निरीक्षण किया गया। इसके उपरांत जिला निर्वाचन अधिकारी ने अर्की विधानसभा क्षेत्र में 8 दिसंबर को होने वाली मतगणना की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक भी ली। आज 50 अर्की विधानसभा में यहाँ स्ट्रांग रूम के इंस्पेक्शन के लिए हमारे माननीय जिला अधिकारी महोदया आए और साथ में एसपी साहब भी आए और उन्होंने स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया और निरीक्षण करने के उपरांत उन्होंने सब कुछ सही पाया और इसके उपरांत उन्होंने यहाँ हमारी बैठक ली और उसमें हमसे ये जानकारी ली कि हम इलेक्शन जो हमारी काउंटिंग की तैयारी है वो किस तरह से हो चुकी है, किस किस तरह से हम करेंगे। जैसे हम 14 टेबल लगाएंगे काउंटिंग के लिए और हम 5 टेबल लगाएंगे पोस्टल बैलेट की काउंटिंग के लिए और हर टेबल पे एक हमारे जो हमारे कैंडिडेट्स हैं उनके इलेक्शन एजेंट्स होंगे, आरओ टेबल पे कैंडिडेट्स या उनके प्रतिनिधि हो सकते हैं। इन सब तैयारियों का जायजा लिया और सभी उन्होंने दुरुस्त पाया। सिटी चैनल के लिए अर्की से शहनाज भाटिया के साथ दयाराम कश्यप की रिपोर्ट।